प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। कलेक्ट्रेट स्थित NIC बिल्डिंग में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO अनुज सिंह, ADM प्रशासन प्रभु नाथ, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने जिले के ODF किए जाने, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाए जाने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण की स्थिति सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति की क्रमवार समीक्षा की तथा कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। हमें कहेंगे हमारे प्रदेश में 97% शौचालय बन गए हैं, लेकिन अभी जिले 12 ही ODF हुए हैं, उनमें ODF घोषित करने की कार्रवाई मैं बहुत जल्दी आपको करनी चाहिए। जो हमारी संख्या है उसके साथ दूसरी का के बारे में भेजी है सर, एब्सेंस ऑफ पायलट और डिटरमिनेंट और रिपोर्ट सर, वो हमें कंप्यूटर पर जारी किया भाषा में इसलिए आ रही है क्योंकि जब क्वेश्चन और क्वेश्चन है काफी बड़ा है। दो तीन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि डू यू हैव एक्सेस टू पायलट, उसमें सर जहां शौचालय बन रही है उसमें कई परिवारों ने जब साथ में गए उसमें तीन लोग शौचालय इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आदमी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो पैसा आया है मतलब बाकी जो तो लोग तो अभी अरेंज कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज मतलब पूरा सपोर्ट नहीं मिला। तो एग्जाम्पल हमारे यहाँ कई काम ऐसे हैं जहाँ 90% से ज़्यादा जीव जाती है जो कोई नहीं दे सकता है, तो बट उनके पीछे की ओवर रिपोर्टिंग में प्लीज कभी ना कभी 50% 60% ओवर रिपोर्टिंग तो संभव ही नहीं है सर। बाकी whether he has access to toilet, whether he actually goes in the toilet or he goes in the open field, these questions are relevant to see whether your village is ODF or not. Sir, आवाज आ रही है? Okay, if you can hear me, then it's fine. I can't see you.